नमस्कार दोस्तों, जेडीजे एस्ट्रोलॉजी में मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी यह वीडियो और आने वाली समस्त वीडियो में हम आपको सूर्य से लेकर के केतु तक के फलादेश के बारे में बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह किस राशि में कहां बैठा है और उसका क्या फल है। मित्रों, लेकिन आज हमने जो टॉपिक लिया है वह राहु देव को लेकर के लिया है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है राहु केतु और शनि से लोग अधिक पीड़ित हैं। इसलिए आज हमने सबसे पहला टॉपिक राहु का उठाया है और आज हम बात करेंगे मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर राहु किस घर में बैठकर क्या फल देते हैं। आप अपनी अपनी जन्म कुंडलियां खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि की लगन की यदि आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें राहु किस भाव में बैठे हैं और उनका कैसा फल है। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे वृष लगन की कुंडली में राहु का फल। इसी प्रकार से प्रतिदिन आने वाली वीडियो में अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में राहु का फल बताया जाएगा। इसी प्रकार से हम नवग्रह का फल बताएंगे। तो मित्रों, वैदिक ज्योतिष में राहु को एक पापी क्रूर छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। अपनी महादशा में राहु एक के बाद एक चौंकाने वाले परिणाम देते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं होता दोस्तों, इसलिए राहु देवता जिस घर में या जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके अनुरूप ही अपना फल देने लगते हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे मेष लगन की कुंडली में 12 भावों में बैठे हुए राहु देव के परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले मेष लगन के प्रथम भाव यानी कि मेष लगन की कुंडली में पहले ही घर में मेष राशि में विराजमान राहु के फल के बारे में जानते हैं। यदि मेष राशि में लग्न में राहु हो तो जातक को मति भ्रम होता है, यानी कि वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है ऐसा व्यक्ति, और उसे समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। राहु की महादशा में पेट खराब रहता है। पुत्र प्राप्ति होने का योग अवश्य बनता है लेकिन अचानक से हानि होने लगती है। दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है। यदि कोई साझेदारी में आप काम कर रहे हैं तो उसमें घाटा होता है, और ऐसा जातक नास्तिक किस्म का होता है, भगवान की पूजा पाठ इत्यादि से दूर ही रहता है, विदेश यात्राएं करने वाला होता है। मित्रों, इसी तरह से मेष लगन में द्वितीय भाव में राहु का फल हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को धन परिवार कुटुंब का भरपूर साथ मिलता है। मित्रों, यदि राहु दूसरे भाव में बैठे हैं और शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है तब ही यह फल घटित होगा। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह फल घटित नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी खराब होती है, बोलचाल उसकी ठीक नहीं होती, अपनी क्षमता से अधिक मुश्किलों को पार करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करता है और ऊंचा पद उसको अवश्य मिलता है यदि शुक्र अच्छा हो तो। अब चर्चा करते हैं मेष लगन की कुंडली में तीसरे घर में बैठे हुए राहु के बारे में। यहां देखना अति आवश्यक है मित्रों कि बुध विपरीत राजयोग की स्थिति में है या नहीं। यदि है तो राहु उच्च राशि में होने पर जातक बहुत परिश्रमी होता है, क्योंकि यहां तीसरे भाव में मिथुन राशि पड़ेगी और मिथुन राशि में राहु देव हमेशा उच्च के होते हैं, जिस कारण से बुध यदि विपरीत राजयोग में है तो यह बहुत ही सुंदर स्थिति बनती है। जातक का भाग्य उसका साथ देता है, छोटे भाई का योग अवश्य बनता है, पितृभक्त होता है ऐसा व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है उसका, साझेदारी के काम में उसे लाभ मिलता है, बड़े भाई बहनों का उसको सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से तीसरे घर के राहु के बारे में हमने आपको बताया। मित्रों, इसी तरह चौथे भाव में यदि राहु देवता बैठे हैं मेष लगन में की कुंडली के अंदर तो क्या फल है। चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में आने से जातक को भूमि मकान वाहन और माता का पूर्ण सुख नहीं मिलता, माता रोगी रहती है, काम काज भी बेहतर स्थिति में नहीं चलता है ऐसे व्यक्ति का, विदेश सेटलमेंट की संभावना ऐसे व्यक्ति की बनती है और रुकावटें दूर होने का नाम नहीं लेती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परेशानी उसके सामने अक्सर आती ही रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है यदि आपकी कुंडली मेष लगन की है और आपके कर्क राशि में 4 नंबर में यदि राहु बैठे हैं तो वह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है और आपको उक्त फलों की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना बनती है।
मित्रों, अब हम चर्चा कर रहे हैं पंचम भाव में बैठे हुए राहु देवता की। संतान को कष्ट होता है, अचानक हानि की स्थिति बनती है, बड़े भाइयों और बहनों से संबंध संतोषजनक नहीं रहते, जातक की याददाश्त कमजोर हो जाती है और नास्तिक प्रवृत्ति का वह होता चला जाता है। वह भगवान में दोष निकालता रहता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मुझे ही सारे कष्ट क्यों दे दिए। इस तरह की चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं। तो मित्रों, बहुत सोच समझ करके जो है हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और करना चाहिए। इसलिए यह वीडियो आपको बहुत डीपली आपके ग्रह के बारे में बताएगी। अब आगे चर्चा करते हैं, मेष लग्न में षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में राहु बैठे हैं तो क्या फल है। यदि बुध विपरीत राजयोग की स्थिति में हो तो राहु यहां भी शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके विपरीत यदि विपरीत राजयोग नहीं बना तो कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा होता है, दुर्घटना का भय बना रहता है, प्रोफेशनल लाइफ खराब होती जाती है, परिवार का साथ नहीं मिलता। इसलिए बुध का विपरीत राजयोग में होना परम आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विपरीत राजयोग क्या होता है। तो आपकी मेष लग्न है तो आपकी कुंडली के अंदर तीसरे घर के और छठे घर के मालिक बुध देव हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध देवता छठे, आठवें और बारहवें घर में विराजमान हैं तो राहु शुभ फल देंगे। इस घर में बैठे हुए, छठे घर में बैठे हुए, तीसरे घर में बैठे हुए, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर सप्तम भाव में आपके राहु बैठे हैं, सात नंबर वहां लिखा हुआ होगा, मेष लग्न की आपकी कुंडली होगी, जातक कुशाग्र बुद्धि का यानी कि बहुत अच्छी उसकी बुद्धि होगी, मेहनती होगा वाणी लेकिन उसकी कठोर होगी, परिवार का साथ पाने वाला होगा, पत्नी बुद्धिमान मिलती है ऐसे व्यक्ति को, साझेदारों से लाभ मिलता है उसको, यदि वह किसी की साझेदारी में काम करता है तो लाभ मिलता है, बड़े भाई बहन से भी उसको लाभ मिलता है। यहाँ के राहु शुभ हो जाते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में जब राहु बैठे हों तो यहाँ राहु के अष्टम भाव में स्थित होने के साथ नीच राशिगत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है और कहा जाता है कि वृश्चिक और धनु ये दो राशियाँ राहु की नीच राशियाँ हैं। तो यहाँ राहु नीच के भी हो जाते हैं। इसकी वजह से जातक के हर काम में रुकावट आती है, राहु की महादशा में टेंशन बनी रहती है, बुद्धि साथ नहीं देती, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, फिजूल के खर्चे होने लगते हैं, परिवार का साथ नहीं मिलता, सुख सुविधाओं का अभाव रहता है और विदेश सेटलमेंट होने की उम्मीद बनती है, यानी कि व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके बाहर जाकर के निवास करता है। मित्रों, अब बात करते हैं हम नवम भाव में विराजमान राहु देवता के बारे में। यदि आपकी मेष लग्न है और आपकी कुंडली में नवम भाव में राहु बैठे हैं तो ऐसा जातक बुद्धिमान, धार्मिक, पितृभक्त और उत्तम संतान युक्त नहीं होता, यानी कि इन सभी फलों में कमी आ जाती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, विदेश यात्रा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं दशम भाव में बैठे हुए राहु देवता की। यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठे हैं और मेष लग्न की आपकी कुंडली है तो यहाँ पर शनि की स्थिति शुभ होना परम आवश्यक है। शनि शुभ होंगे तभी राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। शनि शुभ स्थिति में हो तो यहाँ मित्र राशि यानी कि मकर राशि में आने से जातक को भूमि का, मकान का, वाहन का सुख मिलता है, माता के सुख में थोड़ी कमी जरूर आती है, काम काज बहुत अच्छा चलता है, परिवार साथ देता है और प्रतियोगिता में हमेशा जीत होती है ऐसे व्यक्ति की। मित्रों, यदि राहु एकादश यानी कि ग्यारहवें भाव में बैठ जाएं तो क्या होता है। यहाँ स्थित होने पर बड़े भाई बहनों का स्नेह प्रेम मिलता रहता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, राहु की महादशा में अचानक धन लाभ की संभावना बन जाती है, अचानक से धन लाभ होता है, पत्नी साझेदारों से लाभ मिलता है, शनि शुभ स्थिति में ना हो तो परिणाम खराब हो जाएंगे, इस बात का ध्यान जरूर दें। शनि नीच का नहीं होना चाहिए, पाप राशि में नहीं हो, अपने शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए और 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं द्वादश भाव यानी कि बारहवें घर में यदि राहु हो तो पेट में बीमारी लगने की संभावना रहती है, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस, हॉस्पिटल का खर्चा होता है, कंपटीशन में
असफलता हाथ लगती है, भूमि मकान वाहन का सुख नहीं मिलता, माता की सुख में कमी आती है, सभी कार्यों में रुकावट आती है और टेंशन डिप्रेशन हमेशा बना रहता है। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे बैठे हैं तो वह शुभ फलदायी हैं, उनका कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी कुंडली में राहु देवता खराब घर में बैठे हैं, जैसा हमने बताया है, तो उनकी आपको जप दान इत्यादि करके उनको ठीक अवश्य कर लेना चाहिए। इन सब बातों के अलावा आपको राहु की डिग्री देखना भी बहुत आवश्यक है। डिग्री में राहु बली होंगे तभी अच्छे और खराब फल प्राप्त होंगे। यदि वह डिग्री में कमज़ोर हैं तो इन फलों में भी कमी अवश्य आएगी। तो मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और रोचक जानकारी है। हमारे साथ बने रहिए, हर रोज़ एक नया वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। यदि आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।